शर्मन शेख में शर्मसार हुई विदेश नीति, चीनी सीमा पर सिमट के रह गई विदेश नीति। फिर भी इस नीति को बुनने वाले नेताओं को चाहिए सपनों का आशियाना। सपनों का घर हो या घर का सपना, दोनों ही सबको अजीज होता है, लेकिन सपनों के चक्कर में पड़कर सियासी सच को दरकिनार नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी भले ही विदर्भा के सच से आगे निकल आई हो, राहुल भले ही कलावती को भूल गए हो, लेकिन दादा को अभी भी कांग्रेस का फलसफा याद है और इसी का पाठ वो अपने मंत्रियों को भी पढ़ाना चाहते हैं कि मंत्री जी मान जाइए, लाखों के स्वीट और करोड़ों के बंगले को छोड़ कभी सरकारी गेस्ट हाउस में भी रुक के देखिए, तभी तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैंने दोनों मंत्रियों से गुजारिश की है कि वो होटल के कमरों को छोड़कर उन भवनों में रहें जिन राज्यों से वो चुनकर आए हैं। वही मंत्री जी तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनका मानना है जब सरकारी अफसर बड़ी बड़ी एम्बेसियों में रहते हैं तो वो छोटे से कमरे में कैसे समा जाए। साथ ही एसएन कृष्णा ने प्रणव दा को बता दिया कि होटल का बिल उनके दिल पर आएगा, सरकारी खजाने पर नहीं। I have made some private arrangements. मैंने रहने के लिए अपने निजी इंतजाम कर रखे हैं और जब तक मुझे अपने पद के हिसाब से मकान नहीं मिल जाता मैं तब तक वहीं रहूंगा। एसएम कृष्णा को पैसे खर्चने में कोई परहेज नहीं और प्रणव दा को मुफ्त की सलाह देने में कोई गुरेज नहीं। दोनों सच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं, पर पड़ोस में बैठे आपके बच्चे ने अगर पूछ लिया कि जो घर का मामला नहीं सुलझा सकते वो कश्मीर का मसला कैसे सुलझाएंगे, तो क्या जवाब देंगे आप? जरा सोच के रखिएगा। दिल्ली से राहुल डबास, जन संदेश के लिए।